क्लास आज का हमारे जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एक्सरसाइज 6.2 है। सो एग्जांपल है हमारे पास, तीन क्वेश्चंस हमने किए थे, वो आज रिपीट करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चेक कर लेना वीडियो एक बार अच्छी तरह से। इन गिवन फिगर ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है एंड ई ए जो परपेंडिकुलर ए बी के है। एंगल डी ई बी ई एफ गिवन है 55 डिग्री। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालनी है। सो कैसे निकालोगे? पहले देखो एंगल वाई प्लस 55 डिग्री, ये दोनों इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल है। क्यों इक्वल है? एंगल वाई या वाई प्लस 55 डिग्री दोनों की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक है जी। अब उसमें वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करके 125 डिग्रीज। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू वाई, देखो अल्टरनेट एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स हैं, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एक्स और वाई, एक्स ये वाला एक्स और ये वाला वाई, कौन से एंगल्स है? अगर ऐसे देखोगे ना फिगर को तो आपको इजीली समझ लगेगा। यहाँ पे देखो एक्स और ये वाला वाई दोनों कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आपके पास वाई की वैल्यू गिवन है तो एक्स की भी सिमिलरली आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 125 डिग्री। सो ए बी इज पैरेलल टू, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सो एंगल ई ए सी प्लस एफ ई ए 180 डिग्री के बराबर है। सो ई ए एफ की वैल्यू आपकी है 90 डिग्री प्लस आपका जेड प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। ई ए एफ, ई ए आपका दैट इज ई ए एफ। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन रिगार्डिंगली। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज इन द गिवन फिगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्स अ लाइन ए बी एंड सी डी, देन प्रूव दैट ए, फाइंड एक्स एंड वाई एंड आल्सो प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस आपका 50 डिग्री है, दोनों का सम है 180 डिग्री के इक्वल। क्यों है? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर्स है, उसमें से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली वाई और एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल एंगल, एक्स इज इक्वल एंगल वाई है, क्यों है? अल्टरनेट एंगल है। अगर वो एक एंगल पता होगा दूसरे की वैल्यूज निकल जाएगी। अगर दोनों वैल्यूज निकल गई तो हमारा क्या होगा प्रूफ कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी, ये हमने प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने क्लास में बताया था रिगार्डिंग इसके बारे में। इसके बारे में देखो क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और आपका जो है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड जेड की रेशो दी हुई है वाई रेशो जेड 3:7, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें अब आपको ना वैल्यूज गिवन नहीं है, जी एच आई अपनी तरफ से तीन पॉइंट्स बनानी है। इसको जी नेम दिया है, इसको एच देना है, इसको आई देना है। ठीक है जी, बाकी आपको सब कुछ गिवन है। कैसे करोगे? एंगल ई जी डी एच आई प्लस ई एच आई 180 डिग्री इंटीरियर एंगल है। वाई प्लस जेड इज इक्वल 180 डिग्री। वाई को ले लो 3:7, जेड को ले लो 7 है, क्योंकि 3:7 गिवन थी जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन करते थे तब भी हम ऐसा करते थे। इसकी वैल्यूज लोगों को 7:10 इज इक्वल 180, ए की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी। वाई इज इक्वल टू 3a था उसकी 54 डिग्री वाई की वैल्यू आ जाएगी, जेड की 126 डिग्री आ जाएगी। अब देखो एक्स और वाई आपका जो है दैट इज इंटीरियर एंगल्स, अगर वाई की वैल्यू हमारे पास पता होगी दैट इज 126, तो एक्स की भी कितनी होगी 126 डिग्री, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की 126 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी पैरेलल टू ईच अदर एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जी ई डी हमारे पास 126 डिग्री गिवन है। कौन सा एंगल गिवन है? जी ई डी, ध्यान से देखो जी ई डी कौन सा है इसमें से, दिस इज योर जी ई एंड डी, जी ई एंड दिस इज योर डी। ठीक है जी, ये वाला एंगल जो है पूरा ये वाला बीच वाला ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। सो हमारे पास देखो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, जी ई डी की वैल्यू में पता है 126, तो ए जी ए एच ई की कितनी होगी, ए जी ई की 126 डिग्री होगी। सिमिलरली एंगल आपका जी ई एफ इज इक्वल टू जी ई डी माइनस जी ई एफ है, तो जी ई एफ की वैल्यू हमारे ऐसे निकल जाएगी 36 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि 126 डिग्री उसका था वैल्यू थी और डी ई एफ की 90 डिग्री थी, वो 36 डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर्स हैं, तो 126 प्लस एंगल एफ ई एफ जी ई इज इक्वल 180 डिग्री, एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिग्री आ जाएगी। ऐसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई भी फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन कंसर्न मी इन द क्लासेस और सब्जेक्ट नोट, सॉरी
टीचर्स टॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।